दोस्तों नमस्कार, मैं अमित पाल और आज आपके सामने हूँ कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बात को लेकर आए। जैसे इस समय अगर जो आप देखें तो ओमिक्रॉन का जो बढ़ रहा है, नया वेरिएंट आया हुआ है, तो उसके बारे में कुछ बात करेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले हमें बहुत जरूरी जानना है कि कोरोना एक्चुअल में है क्या, किस तरीके से इतने वेरियंट जो है वो आ गए। तो जैसा आपको मालूम है कि नवम्बर 2019 में जो चीन के वुहान शहर से ये निकला था, उसको 31 दिसंबर 2019 को जो है WHO ने अपने संज्ञान में लिया और इसको नाम दिया वुहान वायरस, क्योंकि ये वेरिएंट जो था ये ओरिजिन वेरिएंट था, इसको वुहान वायरस के नाम से दिया। और बेसिकली WHO ने इसको कोरोना, नोवल कोरोना वायरस बताया। उसके बाद में इसको किस ग्रुप में रखा जाए उसके लिए डिस्कस किया, तो जो सेंट्रल डिजीज ऑफ कंट्रोल है उसने इसको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ग्रुप में रखा, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी पे ज्यादा अटैक करता था। तो वायरस जो कोरोना था वो धीरे धीरे म्यूटेट करता रहा, और म्यूटेट करने के बाद में बहुत सारे वेरिएंट आ गए। जैसे अल्फा वेरिएंट आया था, उसके बाद बीटा वेरिएंट आया, फिर गामा वेरिएंट आया और डेल्टा वेरिएंट आया। बेसिकली डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा डोमिनेंट था, ये भारत में पाया गया था और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा लोगों का डाउन हुआ, सांस लेने में दिक्कत हुई। तो सबसे ज्यादा जो खतरनाक अभी तक हुआ था वो डेल्टा वेरिएंट हुआ था, और उसके बाद में अब इस समय जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया गया है, उसको कहते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो ये बेसिकली ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो सार्स ग्रुप का ही है। ये भी माना जा रहा है ऐसा, अभी तक कोई जांच नहीं हुई, लेकिन माना जा रहा है ऐसा कि सांस लेने में दिक्कत हो सकती है इससे और रेस्पिरेटरी पे ज्यादा अटैक कर सकता है। बेसिकली WHO ने इसको जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न दिया है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न नाम देने का एक रीजन ये भी है क्योंकि वेरिएंट ऑफ कंसर्न में कंसर्न की बात जो हो रही है, क्योंकि कंसर्न का मतलब है इसमें अभी तक हमें नहीं पता है कि क्या ये ज्यादा फैलेगा, क्या ये ज्यादा नुकसानदायक होगा, क्या ज्यादा जानलेवा होगा, या ये ज्यादा बहुत सारे लोगों को, किस उम्र के लोगों को ज्यादा घातक साबित होगा, ऐसा अभी तक नहीं पता है, इसलिए इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया। जैसे ही कोरोना में इतने ज्यादा उत्परिवर्तन होते चले गए हैं, बहुत सारे ऐसे और भी वेरिएंट हैं जो अवेलेबल हैं, लेकिन ये एक ऐसा वेरिएंट है जिसमें फैलने की बहुत ज्यादा क्षमता पाई गई है। इसमें देखा गया है कि बहुत ज्यादा फैलता है, डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना ज्यादा इसमें फैलने की क्षमता बताई गई है। और अभी तक जितने भी पेशेंट एडमिट हुए हैं, हालांकि उनको हॉस्पिटलाइज होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटलाइज किया जाए, क्योंकि उसमें असिम्प्टोमेटिक, पर जो लक्षण अगर जो आपको दिखते हैं, जो कोरोना में दिखते थे, जैसे सांस लेने में दिक्कत है, बुखार है, खांसी है, और उसके साथ नाक बंद हो जाती है, आंखों में लालपन आ जाता है, सिर दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द है, उल्टी है और दस्त है, डायरिया है, ये कमजोरी है, ऐसे अगर जो अभी किसी को भी कोई लक्षण दिखते हो तो सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाए, और डॉक्टर के पास जाने के बाद में उसका चेकअप कराए कि क्या ये कोई ऐसा तो नहीं कि ओमिक्रॉन जो वेरियंट हो उससे आप जो है संक्रमित हो सकते हैं। कोरोना की जांच के लिए जो भी जांचें थी उसी जांच में जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट के जांच की जा रही है, जैसे कोविड एंटीजन टेस्ट हो गया आपका, RT-PCR टेस्ट हो गया, HRCT हो गया, और एक और होता जो बहुत कम लोगों में किया गया है, ट्रू नेट या CV NET टेस्ट है। हालांकि ये जो है TB के पेशेंट के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें भी यूज किया गया। इसमें सबसे सबसे ज्यादा अगर जो देखा जाए तो HRCT टेस्ट जो है वो 90% जो है बहुत सच बताता है, और RT-PCR है उसपे भी बहुत ज्यादा विश्वास किया गया। लेकिन इसको ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसमें RT-PCR में भी बहुत बड़ा दिक्कत हो रही है कि RT-PCR में भी इसकी जांच करने में मुश्किल हो रही है। तो इसलिए हमें बहुत होशियार रहना है, क्या क्या बचाव रखने हैं, किस तरीके से हम अपने परिवार को, अपने आप को या आसपास के लोगों को बचा सकते हैं। कोई भी वायरस कभी भी आता है तो उसके बचने के नियम एक ही होते हैं जो कि कोविड प्रोटोकॉल के अंदर में है, जैसे जल्द से जल्द आपको कोविड जो है उसके नए कोविड के टीके लगवा लेने चाहिए। जिन लोगों में देखा गया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसमें बहुत घातक ये नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने 2 वैक्सीन लगवा ली है तो उनके अंदर इम्यूनिटी पावर और उससे लड़ने की क्षमता जो है वो बढ़ गई है। घर से निकलते समय मास्क जरूर लगाएं, बीमार अगर जो है तो घर के अंदर भी मास्क लगाएं। सार्वजनिक जितने भी जगह हैं, जैसे परिवहन में कहीं भी जाते हैं, स्कूल है या कहीं आप गैदरिंग हो रही है ऐसी जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, तो वहाँ पे मास्क जरूर लगा के रखें और लोगों से 6 फुट की दूरी बना के जरूर रखें। भीड़ भाड़ या ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत खराब बदबूदार हवाएं आती हैं वहाँ पर ना रहें। बार बार हाथ को जरूर धोएं, और खुले में खांसी या खुले में छींक ना करें, खुले में थूके ना, और सतह ऐसी जैसे टेबल है घर में कोई ऐसी सतह है जहाँ लोग टच करते हैं ज्यादा, उस पर सैनिटाइज करते रहें। तो ये कुछ उपाय हैं जो आपको ओमिक्रॉन से भी बचा सकते हैं और साथ साथ में आपको कोरोना से भी बचा सकते हैं। बेसिकली
यहाँ पर बचाव ही जिंदगी है, जितना ज्यादा आप अपने आप को बचा सकते हैं ओमिक्रॉन से उतना ही ज्यादा दूर रह सकते हैं। और बाकी आगे हम इस पर बहुत सारी जानकारी, जैसे ही WHO या सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल अगर जो कुछ जानकारी लेके आता है, कुछ रेफरेंसेस लेके आते हैं, तो उन रेफरेंसेस को हम आपके सामने रखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।